स्वागत है। तो एक लिटिल एंजल का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रानिका सोनी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल टॉप पर मिल जाएगा। तो प्लीज जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी बढ़ते हम आज की वीडियो की तरफ। और जो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियंस शुड बाय मोर सेडान्स ओवर एसयूवीज। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक स्टॉक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक वक्त था जब इंडियन मार्केट में हर एक सेगमेंट के अंदर सेडान्स हुआ करती थी और हर एक कंपनी भर भर के सेडान्स बनाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज प्रॉपर सेडान्स बनाने का खतरा उठा रही है। क्योंकि जिन सेडान्स का इंडिया के अंदर मार्केट शेयर 2011 में लगभग 13% के आसपास हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। कैन यू इमेजिन। तो बॉस, इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन है हम भारतीयों की फेवरेट एसयूवीज एंड क्रॉसओवर, जिन्होंने ओवरऑल इंडियन कार मार्केट के अंदर 60% से भी ज्यादा शेयर ग्रैब कर रखा है। और ऐसा आतंक मचाया है कि जो हैचबैक इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिका करती थी ना, उनकी भी मार्केट अब श्रिंक होकर सिर्फ 30% पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या एसयूवी सच में सेडान से ज्यादा बेहतर है, या फिर हम बस भेड़ चाल के अंदर ही इन एसयूवीज को खरीदे जा रहे हैं और सेडान्स को नकारे जा रहे हैं? वेल, इस सवाल का जवाब देने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से मुझे ये लगता है कि कई लोगों के लिए सेडान्स आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को, यानी कि ऐसे फैक्टर्स को जो कि सेडान्स के फेवर में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल ताकि हम ऐसी ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलो सबसे पहले हम सेडान्स की हिस्ट्री को समझ लेते हैं और फिर बाकी मुद्दों पर बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो वर्ड है ना सेडान, ये आता है एक इटालियन वर्ड सेडेरे से, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है टू सिट। और ये जो सेडान वर्ड है, अगर हम इसे हिस्ट्री के अंदर किसी चीज से जोड़कर देखें ना, तो वो है ये। आपने कई इंडियन, चाइनीज और इजिप्शियन हिस्टोरिकल सेटिंग्स पर बेस्ड मूवीज में देखा होगा कि एक तरीके की चेयर या फिर एक बॉक्स शेप्ड की वैगन होती है, जिसको या तो दो या फिर चार लोग उठाकर चलते हैं अपने कंधों पर। और ये जो चेयर्स होती है ना, इन पर या तो अमीर लोग बैठते हैं या फिर नई नवेली दुल्हन। अब यही जो चेयर्स और वैगन थी ना, इनका इंट्रोडक्शन यूरोप के अंदर भी हुआ और शुरुआती 1600s के अंदर इन्हीं चेयर्स को यूरोप के अंदर सेडान चेयर्स बुलाया जाता था। सेडान चेयर्स यूरोप में प्री मोटर व्हीकल एरा में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इतनी कि इन चेयर्स की रैलीज भी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये तो रही बहुत पुरानी बात, लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये सेडान वर्ड का इस्तेमाल पहले गाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में कब होना चालू हुआ था, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि इन सेडान्स के ऊपर अलग अलग देश अपना अपना दावा रखते हैं। जैसे कि फ्रेंच का कहना यह है कि 1899 में जो रेनो की वर्टेरेटेड टू सीटर कार आई थी, उससे सबसे पहले सेडान बुलाया गया था। वहीं अमेरिकन्स का कहना यह है कि स्पीडवेल नाम की कंपनी ने अमेरिका के अंदर सबसे पहले एक फोर सीटर कार बनाई थी और वही ट्रू सेंस के अंदर पहली सेडान कार थी। अब भाई, पहली सेडान किसने बनाई थी और किसने नहीं, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो इस बात से कि एक सेडान आखिर बोला किस तरीके की गाड़ी को जाता है। अब देखो, वैसे तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग चट्टान के नीचे रह रहे थे, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि सेडान एक थ्री बॉक्स शेप वाली कार को बोला जाता है, जिसमें इंजन, ऑक्यूपेंट्स और लगेज के लिए थ्री डिफाइंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब जब हम सेडान से जुड़ी हुई हिस्ट्री और सेडान्स की डेफिनेशन को जान चुके हैं, तो अब हम जान लेते हैं वो तीन रीजंस जिनकी वजह से सेडान्स आज भी एसयूवी से बेटर हैं और डेफिनेटली कई लोगों के लिए आज भी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं। तो सेडान्स को लेने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है बेटर एरोडायनामिक्स। एक कार को डिज़ाइन करते वक्त एरोडायनामिक्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप एक बैलगाड़ी के अंदर एक इंजन लगा सकते हैं और वो बैलगाड़ी दौड़ने लग जाएगी, लेकिन एक कार को एफिशिएंटली मूव करने के लिए एरोडायनामिक्स का पार्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, वैसे क्या आपने कभी ड्रैग कोफिशिएंट के बारे में सुना है? वैसे आप में से कई लोगों ने सुना तो होगा इसके बारे में, लेकिन अच्छे से मैं अभी समझा देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी चलती हुई गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकाला है? अगर आपने निकाला होगा तो आपको मालूम होगा कि चलती हुई गाड़ी में जब आप हाथ बाहर निकालते हो तो आपके हाथ पर बहुत ही तगड़ा एक दबाव महसूस होता है, और ये जो हवा का दबाव होता है ना, इसे ड्रैग बोला जाता है या फिर एयर ड्रैग बोला जाता है। और यही जो ड्रैग वर्ड है ना, इसी से निकलता है ड्रैग कोएफिशिएंट, जो कि इस चीज को मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हवा कितनी आसानी से फ्लो हो सकती है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का ड्रैग कोएफिशिएंट ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हवा के दबाव को ज्यादा आसानी से पार नहीं कर पाएगा। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट का ड्रैग कोएफिशिएंट कम होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हवा को बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लेगा। कई साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक, अगर आप अपनी गाड़ी के फ्रंट बम्पर को थोड़ा बहुत भी ठीक कर दो ना, तो आप 32% तक ड्रैग को कम कर सकते हो। और इसी तरीके से जो गाड़ी का रेयर एंड भी होता है ना, वो भी ड्रैग कोएफिशिएंट को बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है।
और एरोडायनामिक्स के मुताबिक एक सेडान की रेयर विंडो ज्योमेट्री और टेल की वजह से एयर बहुत ही स्मूथली गाड़ी से सेपरेट होती है इन कंपैरिजन टू एसयूवी। इसके अलावा एसयूवी के टॉल बॉडी डिजाइन की वजह से इनके फ्रंट में ना बहुत ही ज्यादा बड़ा एक सरफेस एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एयर का ट्रैक ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही जो दो रीजंस है ना, इन्हीं की वजह से एक एसयूवी का ट्रैक कोएफिशिएंट सेडान के मुकाबले 30% तक खराब हो सकता है, यानी कि 30% तक ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि ये जो सेडान्स होती है ना, इनका ट्रैक कोएफिशिएंट सिर्फ एसयूवी से ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कार से भी कम होता है। एक सेडान का ड्रैग कोएफिशिएंट 0.25 से 0.35 सीडी के बीच में होता है, एक टिपिकल एसयूवी का 0.35 से 0.45 के बीच में होता है, और वहीं बुगाटी वेरोन और लैम्बोर्गिनी अवेंटाडर जैसी हाई एंड स्पोर्ट्स कार के जो ड्रैग कोएफिशिएंट होते हैं वो 0.35 से लेकर 0.4 सीडी तक होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कार का ड्रैग कोएफिशिएंट भी सेडान से ज़्यादा होता है। अब ये जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नीची होती हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हवा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से काट पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो ट्रैक कोएफिशिएंट है वो ख़राब है सेडान के मुकाबले। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स कार्स को हवा को काटने से भी ज़्यादा हवा को दबाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हाई स्पीड्स पर ये गाड़ियाँ टेक ऑफ ना कर जाएँ। अब ठीक है, आप ये तो समझ ही गए कि सेडान्स के एरोडायनामिक्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये पूछोगे कि भाई इससे हमारे को क्या फ़ायदा, राइट? अपने बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से सेडान्स की ना फ्यूल एफिशिएंसी एसयूवीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसको हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन से भी समझ सकते हैं, यानी कि सेम इंजन वाली एसयूवीज और सेडान्स के माइलेज के कंपैरिजन से। जैसे कि अगर हम हुंडई वर्ना और क्रेटा को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, और अगर हम इस इंजन वाली इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें ना, तो वर्ना के अंदर क्लेम्ड माइलेज जो है वो 18.6 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, वहीं क्रेटा के अंदर 17 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि वर्ना की माइलेज ज़्यादा है। इसी तरीके से होंडा की जो एलिवेट है उसकी क्लेम्ड माइलेज 15.31 किलोमीटर पर लीटर की है, वहीं सेम इंजन के साथ आने वाली होंडा सिटी की माइलेज है 17.8 किलोमीटर पर लीटर की, और ऐसे ही अगर हम स्लाविया 1 लीटर की बात करें तो इसकी क्लेम माइलेज है 20.32 किलोमीटर पर लीटर की, वहीं कुशाक की है 19.76 किलोमीटर पर लीटर की। तो आपने देखा होगा कि कैसे कॉन्स्टेंटली एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है जिसके अंदर सेडान्स की माइलेज एसयूवी से ज़्यादा है अपने सेम इंजन वालियों से भी, और यहाँ तो हम स्यूडो एसयूवीज की बात कर रहे हैं जिनके एरोडायनामिक्स फिर भी बेटर होते हैं। अब अच्छे एरोडायनामिक्स से गाड़ी की माइलेज तो अच्छी होती है और ये आप समझ भी गए हो, लेकिन इससे गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी कि आप सेडान्स को एसयूवीज के मुकाबले ज़्यादा स्पीड पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। और इसका प्राइम एग्जांपल हमें मिलता है होंडा एलिवेट और सिटी के कंपैरिजन से ही। होंडा सिटी और एलिवेट का स्पीडोमीटर देखिए, दोनों में ही सेम इंजन आता है यानी कि 1.5 लीटर वाला, लेकिन फिर भी होंडा सिटी की जो टॉप स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर आर तक जाती है, वहीं एलिवेट की जो टॉप स्पीड है वो 180 पर ही रुक जाती है। और ऐसा डेफिनेटली इसीलिए किया गया होगा क्योंकि होंडा सिटी जो है वो हाई स्पीड्स पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती होगी इन कंपैरिजन टू एलिवेट। सेडान्स को ऑप्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है आपके व्हीकल में जहाँ पर आपकी गाड़ी परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। एसयूवीज के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है ड्यू टू टॉल बॉडी डिज़ाइन, वहीं पर सेडान्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है उनकी नीचे हाइट की वजह से। और अगर आपको एक गाड़ी को स्टेबल बनाना है ना, खासकर टर्न्स के अराउंड, तो आपको उस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा नीची रखनी होगी, यानी कि उसको नीचा बनाना पड़ेगा या फिर किसी भी तरीके से नीची करनी होगी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहीं पर एसयूवीज काफ़ी ज़्यादा मात खा जाती है क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, इसी की वजह से उनके रोल ओवर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मान लो रोल ओवर नहीं भी होती है तो मोड़ों पर इन गाड़ियों के बॉडी रोल की वजह से इनके एक आधे टायर उठ जाते हैं या फिर पकड़ ग्रिप छोड़ देते हैं अपनी रोड पर से, जिसकी वजह से गाड़ी स्लाइड हो जाती है, मतलब स्टेबल नहीं रहती। और इस बात को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे होंडा सिविक मूस टेस्ट को कितनी आराम से पास कर रही है, इवन दो ये गाड़ी 79 की स्पीड पर चल रही है। वहीं पर 76 की स्पीड पर होने के बावजूद भी होंडा सीआरवी कौन से टकरा जाती है और फेल हो जाती है। अब ये तो फुल फ्लेज्ड एसयूवी भी नहीं है, अगर हम फुल साइज एसयूवी की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करती हैं मूस टेस्ट के अंदर कि वो ऑलमोस्ट पलटने ही वाली होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब अगर हम इंडियन रोड्स के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए तो कार स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हाईवेज तक पर अचानक से लोग आ जाते हैं एकदम से सामने गाड़ी के, या फिर स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं एकदम से सामने, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर मैं एक प्राइम एग्जांपल की बात करूं तो जो स्ट्रे काउज है यानी कि गाय, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर 900 डेथ्स हुई हैं ऐसे कार एक्सीडेंट्स के अंदर जिनमें गाड़ी के सामने एकदम से गाय आ गई थी। और ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसी कार हो जो बहुत ही तेज़ी से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले और अपना बैलेंस भी ना खोले, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सेडान्स को लेने का एक तीसरा और एक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रीज़न है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, यानी कि सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा। हाँ, मैं जानता हूँ हम में से ज़्यादातर लोगों को दूसरों की जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी शायद से इंडिया में लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं बेचारे।
पर जिनको फर्क पड़ता है मैं उनको बता दूं कि कई टेस्टिंग्स के अंदर ये पाया गया है कि अगर आप एक एसयूवी से पेडेस्ट्रियन को हिट करते हैं उसके अंदर डेथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सेडान। क्योंकि जब सेडान एक पेडेस्ट्रियन को हिट करती है तब यूजुअली फ्रंट बम्पर नीचे होने की वजह से इम्पैक्ट पैरों पर ही आता है और इंसान गाड़ी के हुड पर आकर गिरता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, अब इसमें पैरों पर तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन इंसान की जान बच जाती है। वहीं जब एक्सीडेंट एक एसयूवी और एक इंसान के बीच में होता है ना, तब गाड़ी के फ्रंट के ज़्यादा ऊंचे होने की वजह से गाड़ी का फ्रंट इंसान के टॉर्सो से या फिर हेड से टकराता है। यानी कि पहला कोलिजन इंसान के ऐसे पार्ट से होता है जहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से एसयूवीज के साथ एक्सीडेंट होने पर इंसान के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सेडान्स। अब ये जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग ही गाड़ी की नीचे गिर जाती है अगर वो इसको ठीक से पास नहीं कर पाती है एनकैप्स के अंदर। अब यही जो तीन मेजर रीजंस थे ना, इन्हीं की वजह से मैं मानता हूँ कि जो सेडान्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं एसयूवीज के मुकाबले भी। हाँ, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर एसयूवी सेडान से ज़्यादा बेटर फील होती हैं, जैसे कि जो राइड हाइट होती है वहाँ पर और जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज होती है वहाँ पर एसयूवी सेडान से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। पर हम सब लोग जानते हैं कि हम में से 90% लोग ऑफ रोड तो करते ही नहीं है, और जो क्रेटा ऐसी सूडो एसयूवीज होती हैं वो तो ऑफ रोड वैसे भी नहीं कर सकती, फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं वो तो। और अगर आप ये बोलो कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एसयूवीज में ज़्यादा बेटर मिलता है तो वो एक सॉलिड पॉइंट है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन आज की डेट में जो सेडान्स है उनके अंदर भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने लगा है, जैसे कि स्लाविया और वर्टर जैसी कार्स के अंदर। और वैसे भी अगर देखा है तो हमारे जो रोड्स हैं ना वो बेटर होते चले जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, इसीलिए मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भी सेडान्स बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हैं। और जिनको बड़ी रोड प्रेजेंस और ऊंचे बैठने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको मेरे ख्याल में आज भी सेडान्स लेनी चाहिए। हाँ, पर एक ड्रॉबैक ज़रूर है, क्योंकि डिमांड कम हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं मार्केट के अंदर, पर जो भी हैं वो अच्छे हैं वैसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट बॉडी टाइप वाली गाड़ी कौन सी है, हैचबैक, सेडान या फिर आपको एसयूवी ज़्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। आज के टाइम में वैसे गाड़ियां जो है ना एक लग्जरी की बजाय ना मेरा ख्याल है एक ज़रूरत जो है ना वो बन चुकी हुई है। लेकिन हाँ भाई, गाड़ियों में जैसे अभी हमने ये देखा ना कि बहुत ज़्यादा जो है एक फ़र्क बताया गया है सेडान और एसयूवीज़ की तरफ, लेकिन आप इंडियन मार्केट को जब देखते हैं ना, जैसे हम कंपेरिजन देखते हैं कि भाई हर महीने कितने गाड़ियों के यूनिट बिके, तो आपको एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है कि इंडिया में एसयूवीज़ का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई गाड़ियों में सेफ्टी जो है ना वो वाकई सच में बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है जब हम गाड़ी लेते हैं ना हम इतनी टेक्निकलिटीज का ख्याल नहीं रखते। आई मीन हमें पता ही नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली बस हमें सॉरी इंटरप्ट करना, खूबसूरत होनी चाहिए, डैशबोर्ड जो है वो बला का होना चाहिए ताकि क्योंकि देखे तो के वाओ क्या गाड़ी है। आई थिंक जो ट्रेंड में चीज ज्यादा चलती है लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। अब मुझे लड़कों का नहीं आइडिया कि लड़के क्या क्या फीचर्स देखते हैं एक नई गाड़ी लेने में, बट अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर मतलब क्या कहेंगे इक्तफा करती हैं कि भाई जो गाड़ी है वो उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए और थोड़ी स्टाइलिश दिखनी चाहिए, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। बट इतनी टेक्निकलिटीज़ का मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे महिलाओं को स्पेशली आइडिया भी होता होगा। ये चीज़ का मुझे आइडिया था कि भाई गाड़ी पे जो आगे से हवा का प्रेशर पड़ता है ना उसकी गाड़ी उस गाड़ी की माइलेज पे काफ़ी ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ता है। ये चीज़ मुझे मालूम थी कि गाड़ी की, मैंने बहुत देर पहले शायद एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें जो है ना गाड़ी का डिज़ाइन बनाए जा रहे थे, उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस की जा रही थी कि भाई जब एक गाड़ी बनाई जाती है तो उसमें अगर छोटे छोटे अगर साइडों पर स्पोर्ट कार्स की मैं कह रहा उसमें शायद बात होगी अगर साइडों पर थोड़े थोड़े होल्स भी रखे जाते हैं ना तो इस वजह से कि भाई गाड़ी में से हवा जो है वो गुजर सके और गाड़ी पे इतना प्रेशर जो है ना बने कि वो उसकी फ्यूल एवरेज जो है वो ख़राब हो जाए या वो उस तरह स्पीड में परफॉर्म ना कर पाए जैसे 0 to 100 तो कितनी देर में पहुंचती है, तो वो चीज़ें जो है वो सारों चीज़ों का ध्यान रखकर जो है उसे डिज़ाइन किया जाता है। बिल्कुल, ये तो कह रही हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जैसे अभी हमने वीडियो देखी आपको समझ आती है। ऑब्वियसली अगर वो हवा का प्रेशर होगा तो रेजिस्ट ज़्यादा करेगी, फ्यूल उसमें आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो बट ये है कि वीडियो देखने के बाद सही अंदाजा हुआ है कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। और देखा जाए तो मोस्टली लोगों के लिए मैं कहता हूँ जिन्हें शौक होता है ना गाड़ियों का उनके लिए जो है ना फिर मेरा ख्याल है कि फ्यूल एवरेज जो है वो मैटर नहीं करती। यानी कि अगर जैसे इंडिया में तो वैसे गाड़ियों की फ्यूल एवरेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, मैक्सिमम जो सॉरी मिनिमम जो है आपको 15+ किलोमीटर ही जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे चंद एक गाड़ियाँ ऐसी हैं
जो 15-16 से ज़्यादा जो है आपको एवरेज देती है, वरना 10-12 की एवरेज जो है आपको मोस्टली देखने को मिलती है। लेकिन देखा जाए तो जैसे 1-1.5 किलोमीटर का मैक्सिमम आपको जो है बीच में वो फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो मेरा ख्याल मोस्टली लोगों के लिए ना जिन्हें SUV रखने का शौक है उनके लिए इतनी फ्यूल एवरेज मैटर नहीं करती होगी। हाँ बिल्कुल, मौसम सही कह रही है, तो मैं भी मानती हूँ। बट एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की ना, तो अब मुझे समझ आता है कि लाइक हम लोग देखते हैं ना जैसे अरब कंट्रीज में होता है, वो ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं SUVs की एक साइड पर, वो इतना इजीली कैसे हो जाता है। बिल्कुल, वैसे ये चीज उसमें करना मुश्किल है, सिडान गाड़ियों में जो है ना वो मुश्किल, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि SUVs को ही वैसे कर रहे होते हैं कि एक साइड पर बिल्कुल वो गाड़ी का बैलेंस आउट हो रहा होता है। नहीं वैसे उन्होंने तो बैलेंस किया होता है। नहीं वो बैलेंस आउट कहने का मतलब ये कि वो उन्होंने उसकी शेप इस तरह कर दी कि भाई दो टायरों पे जो है वो चल रही होती है, दो टायर जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं तो मोस्टली जो लोग ड्रिफ्टिंग करते हैं, जब आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जाती है, बेशक वो सेडान हो या बेशक वो SUV हो, तो भाई बहुत बुरा जो है वो हाल होता है गाड़ी का, एक्सीडेंट वाले बंदे का भी बहुत बुरा हाल होता है। आई थिंक ये ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि मुझे लगता है कि गाड़ी लेने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे पेडेस्ट्रियन की उन्होंने बात की, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि कब कोई कहाँ से किस वक्त निकल आया, किस गाड़ी के पीछे से निकला आपको नहीं पता। हाँ, आपको खुद अपनी सेफ्टी का ख्याल जो है वो रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे कंट्रीज है ना, इनमें लोगों को ना ज्यादा एक अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। यार उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि भाई लोगों के साथ जो अवेयरनेस है उसके साथ साथ लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। बेशक वो गाड़ी चलाने वाले हों, बेशक वो पेडेस्ट्रियन हो, उन सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा भाई अमूमन मेरे साथ इस तरह होता है कि अगर रोड इस तरह ना दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है, मैं यहाँ पे खाली औरतों की बात नहीं करूँगा, बंदे भी बीच में शामिल होते हैं कि भाई वो एक साइड पे बस मुंह उठा के चले जा रहे होते हैं, दूसरी साइड पे देखते भी नहीं कि भाई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। भाई वो इसलिए ना, आप देखो मौसम, तुम औरतों के बारे में बात करोगे तो साथ ही तुम्हें एक आंसर भी तो मिल जाएगा। अरे यार लिटरली पिछले दिनों की बात है, मेरे साथ इस तरह औरत यूं इस साइड पे रोड के और यूं चलते रहे, मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ तो मुझे आगे से कहती है तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। कहना तुमने इंडिकेटर नहीं दिया। मैं लिटरली हॉर्न में कुछ बोला नहीं, मैं कहा मैं क्या बोलूं इसे। नहीं तो तुम कह रहे थे कि आपने इंडिकेटर लगाया होता। यार यहाँ पे ना औरतों के फ्री के भाई बहुत आ जाते हैं। नहीं इसमें तो कोई भी बात नहीं है, जो गलत चीज है उस पर तो अगले बंदे को मुझे लगता है कि आपको मैसेज कन्वे कर देना चाहिए। वैसे मैंने ये चीजें मर्दों में भी बहुत ज्यादा देखी है, सिर्फ औरतों की बात नहीं है। लेकिन हाँ भाई गाड़ियों में जो है ना सेफ्टी फीचर्स होना, और जैसे आजकल हम मॉडर्न गाड़ियां देख रहे हैं, सेडान है या SUVs है, उनमें इस तरह के सेंसर्स लगाए जा रहे हैं कि एकदम से आगे कोई चीज आए तो गाड़ियां ऑटोमेटिक ब्रेक जो है वो अप्लाई कर देती है। तो मेरा ख्याल है जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है तो जो है ना टेक्नोलॉजी भी साथ साथ जो है वो अपडेट होती जा रही है। और आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो GPS सिस्टम से काम करती हैं। और बाकी मेरा ख्याल है पर्सनल चॉइस है कि भाई आप कौन सी गाड़ी जो है वो खरीदते हैं। लेकिन मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे जो है ना जो वो क्या कहते हैं हैचबैक गाड़ियाँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है, इन्हें SUVs पसंद है। मैं मौसम से यही पूछने लगी थी लास्ट में, मौसम तुम्हें कौन सी गाड़ी? मुझे हैचबैक गाड़ियाँ ज्यादा पसंद है। मुझे हर तरह की गाड़ी पसंद है, बस मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। अब ये वाले हालात है, सही बात है। मैं नहीं कहती भाई मुझे SUV, मुझे हैचबैक इसी वजह से पसंद है क्योंकि भाई वो सस्ती होती हैं सेडान से और SUV से। अच्छा मुझे ना वैसे, लेकिन ये कि मुझे महिंद्रा थार अच्छी लगती है, मतलब जो ब्लैक कलर में है ना वो। हाँ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और मैं अगर बात करूँ तो मुझे जो है ना वो टोयोटा विड्स वो बहुत अच्छी लगती है। वेल गाइस आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक आम व्यक्ति गाड़ी खरीदते वक्त इन सब चीजों का ख्याल रखता है या उसको सोचना चाहिए इन सब चीजों का। आई थिंक या जो मार्केट में गाड़ियों का ट्रेंड चल रहा था कि भाई ये गाड़ी आजकल बड़ी फेमस हुई है तो उस हिसाब से वो खरीद लेते हैं। बट मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोग जो हैं या अपर मिडिल क्लास लोग, ये लोग फ्यूल को लेकर मतलब कि कितना माइलेज देती गाड़ी उसको वो थोड़ा काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फिर स्पेयर पार्ट्स को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई अफोर्डेबल है कि नहीं है। एग्जैक्टली, सो आप जरूर बताइएगा कि आपके क्या पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स एक गाड़ी को खरीदने के लिए। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें।